दीजिएगा। सिलाई करना जाके और वो जो बताया नहीं करना, ठीक है आप कुछ मत कीजिएगा है बिल्कुल। कैरल आपका सिर घुमा और आपको है डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट L4 L5 और L5S1 और लोअर बैक पेन, और इसके अलावा आप क्या बोला मैं चोट लगी थी क्या हुआ था आपको? अच्छा आप फौज में हैं क्या, आपको ये प्रॉब्लम हुई थी तो आपने क्या किया था उस समय? नहीं मतलब हुई कैसे थी? आप गेम खेल रहे थे कहीं गिरे थे, जर्ग लगी थी, आगे से झुके थे, जर्ग लगती ऐसा ही होता है, या तो कोई व्यक्ति आगे झुक के ज़्यादा हैवी वजन उठा रहा है या फिर कोई कुछ और उसमें है। बिल्कुल नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ते रहिएगा और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी पूरी आप छोड़ दीजिए। खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे कड़ी अचार आमचूरन इमली खट्टे टमाटर दही नींबू संतरा मौसमी किन्नू खट्टी चटनी खट्टा आंवला इस तरह से, जब तक दर्द है तब तक मत खाइएगा, उसके बाद में आप खाइएगा। खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे, आगे झुक के आपने भारी वजन नहीं उठाना, ठीक है? और ये डिफ्यूज जो डिस्क है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए सर बहुत बढ़िया जबरदस्त एक नंबर अपोजिट, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ती रहिएगा है, फर्स्ट क्लास एकदम, कुछ कीजिएगा ना थोड़ा पीछे होइएगा, यस बस 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 ज्यादा छोड़ दीजिए, बिल्कुल नीला छोड़ दीजिए, कुछ मत पीजिए। और इसके अलावा आपने क्या किया, कहाँ कहाँ दिखाया आपने? आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया है? आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया आपने? और इसके अलावा अच्छा सिविल में दिखाया, और इसके अलावा दोनों हाथ नीचे कीजिए, किसी ने हमारे लिए रिकमेंड किया आपको, क्या बोला वो? हाँ पूरी बॉडी ढीली छोड़ दीजिए, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़िएगा है ना, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़िएगा, पूरी बॉडी ढीली छोड़ दीजिएगा एकदम। बस पूरी बॉडी ढीली छोड़िएगा, इसको मुझसे लॉक कर लीजिए, ठीक है? इस पैर को मोड़ने मत दीजिए, इसको आप उठाइएगा मत, कुछ मत कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला था आप वहां पर जाइए उनके पास, फिर छोड़ दीजिए, दोनों टर्न मोड़िएगा आराम से, मुंह अपना लेफ्ट में कीजिएगा, मुंह लेफ्ट में अपोजिट, मुंह राइट में, कुछ मत कीजिएगा, पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऊपर आइएगा थोड़े, पूरे रिलैक्स हो जाइएगा, छोड़ मत छोड़, आपको छोड़ दीजिएगा। एक नंबर कुछ मत, पेट के बल आराम से, पेट के बल भाई बस
दीजिएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा। सीधे होइएगा, खड़े होइएगा, आइए नीचे आराम से, नीचे आराम से उतरिएगा, जल्दबाजी को एक बार आगे झुकिए, जरा देखिएगा अभी क्या फील कर रहे हैं आप, अभी पूरा झुकिए, नॉर्मल जबरदस्त झुकिए, खड़े होइएगा, आगे पीछे थोड़ा कदम कीजिए, कमर कैसा बताइए मुझे, बस वापस आइएगा। अभी आप क्या फील कर रहे हैं, पीछे झुकने में खिंचावट आ रही है आपको, अभी निकल गया दर्द, निकल गया दर्द, नहीं निकला अभी है, फिर बताइएगा फिर अभी निकलेगा, अभी तो अभी तो पिकमेंट्स रह गया है आपका, बोलिएगा आगे झुकिए, बताइएगा अभी कितना दर्द निकला है आपका, 50% दर्द निकल गया, और हल्की हुई कमर, आइए अभी दोबारा रह गया, आइए आप ढीला छोड़ दीजिए, आप मत कुछ कीजिए, क्या ढीले छोड़ दीजिए यहाँ से, है यहाँ से ढीला ऐसे मोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। तो फौज में कब भर्ती हुए आप? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, और कब आप रिटायर होंगे? 2025 में, मतलब 5 साल और रह गए आपके। अभी ड्यूटी कहाँ पर है आपकी? सूरतगढ़ कैंट में। अच्छा, छोड़ दिया, क्या वो राजा आपकी सांस फूल ली? आप कोई पेट में नले पड़ गए क्या? अरे नहीं सर। अच्छा, पक्का? पक्का, श्योर। नीला छोड़िए शिव कुमार जी,
चलिए एक बार उठिए, उठ के आराम से साइड में दरबड़ लेकर उठिएगा। खड़े हो जाइए और चक्कर लगाइए और मुझे बताइए दर्द अब पूरा निकल गया या बचा है। पीछे झुक जाइए इधर आके। अभी कितना बचा है? और निकल गया तो बैठ के दिखाइए एक बार। आगे झुकिए, नॉर्मल बैठिए, अब उठिए, सब तरीके से घूमो एक बार आगे पीछे। ये शिव कुमार जी हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, सूरतगढ़ में ये फौज में हैं, वहाँ इनकी ड्यूटी है और खेल खेलते हुए इनको जबरदस्त जर्क लगी थी, जिसके बाद इनको L4, L5 और L5S में डिफ्यूज डिस्क वाल हो गया था। आप सर्जरी कराने से पहले सोचें, समझें और अपने विचारों को, अपने चीज़ों को व्यक्त करें और देखें कि क्या हमारे लिए सर्जरी ज़रूरी है। हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं बॉडी की, फिर आसन कराते हैं, फिर स्पाइन की सेटिंग करते हैं, फिर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको क्या खिलाना है दर्द की हालत में, फिर उसके बाद में हम उसको समझाते हैं कि आप कैसे ठीक होंगे। और आपने देखा कि व्यक्ति 100% ठीक हो सकता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को गाइड करे तो, और अच्छा गाइड करने वाला मिले तो। आप अपने को ज़रूर स्वस्थ रखें, अगर एक बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर आप बाद में जगह जगह धक्के खाएंगे और आप अपनी धन संपत्ति को ख़त्म करेंगे और आप पूरे नेगेटिव हो जाएंगे और आपका ठीक होना फिर संभव नहीं। इसीलिए आप जितना हो सकता है विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी के आप ठीक होने की कोशिश करें। बाद में तो फिर अगर नहीं ठीक होते तो एक जरिया लास्ट में एलोपैथी बचती है। नमस्कार।